वीसीआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय शास्त्री। जी हाँ, वीसीआर न्यूज पेश करने जा रहा है एक सनसनीखेज खुलासा, जो आज का ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे पर पूरा देश सत्ते में है। आज हम खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रतिष्ठित पद और गौरवान्वित पद पर एक ऐसे इंसान को बैठाया गया जो देश विदेश में भ्रष्टाचार से लिप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब की। तो आइए बात करते हैं भूतपूर्व ऑफिसर एन के सूद साहब से, जो आज इस सनसनीखेज पर खुलासा कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भूतपूर्व ऑफिसर एन के सूद जी से। जी हाँ, एन के सूद जी हमारे देश के रॉ भूतपूर्व ऑफिसर रहे हैं, और जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के साथ ईरान में साथ रहे हैं। तो जानते हैं, जो अभी अंसारी जी ने बयान दिया है कि हमारे देश में मुस्लिम डरा हुआ है, सुरक्षित नहीं है। तो आइए जानते हैं एन के सूद जी से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैंने रॉ में 38 साल जॉब किया, उसके बाद रिटायरमेंट हुई है, और मैं अंसारी साहब के साथ 2.5 साल के करीब तक इनका टेन्योर था एज इंडस्ट्री कहना वहीं पे था। तो मैंने इनको बड़ा क्लोजली वॉच किया है और देखा है कि इनका कैसा एटीट्यूड है, कैसा इनका करेक्टर है। ये एक इस टाइप के आदमी हैं जो फिसलने के टाइम के, इनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एम्बिशन था जिसकी वजह से ये अपनी किस्मत से जाकर के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। और इनका जो वहाँ पे टेन्योर था बड़ा ही डिजास्टर्स था हमारे देश के लिए, हमारी जनता के। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरह से आपके साथ में इनका व्यवहार रहा ईरान में, और कैसे कैसे इन्होंने आपके साथ में कुछ, जो आपने सुना, हमने सुना है कि आपके साथ में भी कुछ काफ़ी जाते की गई थी वहाँ पर, तो किस तरह से आपके साथ में इनका उस टाइम का व्यवहार रहा। देखिए, मैं इसको जो कुछ इनके जो एटीट्यूड्स थे आकर के, मैं तो अपने पर पर्सनल नहीं लेता, लेकिन मेन बात है कि जब ये वहाँ पे रहे, इनका मुझे इन चीज़ों से कंसिडरेशन नहीं है किसी पर्सनल उस पर। ये जो इनका वहाँ पे टेन्योर था, इन्होंने उस टाइम पे ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जो कि कंट्री के इंटरेस्ट में थे। जैसे इनके आने के, ये दिसंबर 90 में तेहरान पहुँचे हैं, मैं वहाँ पर फेब्रुवरी के शुरू में पहुँचा हूँ 91 में, और कुछ महीने के बाद एक संदीप कपूर नाम का एम्प्लॉई था, दिल्ली से होम लीव से वापस आया, उसको ईरानी इंटेलिजेंस वाले उठा के ले गए। इनको ये जब बताई उसके मिसिंग की खबर, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर इनको बताया जाकर के, हमने आकर के कि ये इनका जो है इंटेलिजेंस को अपने चेक करने के बाद बताया कि इंटेलिजेंस के आर्मी के सवाब के ईरान के जो इनको उठा के ले गए, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में यही बता दिया जाकर के हेडक्वार्टर में, वो जाकर के 3 दिन के बाद एक फ़ोन आया कि ये आदमी जो है एक आपका सड़क पर बेहोश पड़ा है। तो हमारी टीम गई, हमारे सिक्योरिटी वाले गए, उनको उसको उठा के ले आए। तो इन्होंने जो हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दी, इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नोट नहीं भेजा फॉरन ऑफिस में, जैसे इनको करना चाहिए था, इन्होंने ईरान के फॉरन ऑफिस में, बल्कि इन्होंने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेजी कि ये तो जो लड़कियों के चक्कर में था, इसलिए इसके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट। उसके बाद हमने ये कहा, हमने चेक किया, कराया इसको कि कोई ड्रग दिए गए हैं, हेडक्वार्टर रिपोर्ट भेजी थी, उसको रिपेट्रिएट किया गया, तो रिपोर्ट में कन्फर्म हो गया कि उसको ड्रग्स इंजेक्ट किए गए थे, और काफ़ी साल वो नौकरी करता रहा, लेकिन उस ड्रग्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था। उसके कुछ महीने के बाद एक और इंसिडेंट हुई, एक बीबी इनको कुछ रिपोर्ट्स देते थे जाकर के, जो शायद इनको वैसे नहीं देनी चाहिए थी। हमारे चीफ भी चेंज हो गए थे ईरान में, एक के वेणुगोपाल आए थे, तो उन्होंने इनको कुछ रिपोर्ट्स ऐसी दिखा दी जो उनको नहीं दिखानी चाहिए थी, और वो रिपोर्ट्स इन्होंने जाकर के इनके फॉरन ऑफिस में प्रेजेंट कर दी कि आपके बारे में तो यहाँ से ये रिपोर्ट है, और जिसकी वजह से जो डीवी माथुर था उसको उठा के ले गए इंटेलिजेंस के बगैर। उनको बताया, हम उनको ढूंढते रहे, इतने कुछ नहीं मिला। अंसारी साहब से कहा भी हमें तब तक इंडिकेशन हुआ जब चेक कराया अपने कॉन्टैक्ट से कि इनको लोग गाड़ी में उठा के ले गए, तो हमें डाउट हुआ कि इनकी इंटेलिजेंस के लोग होंगे। जब इनको कहा, इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, 2 दिन तक वेट करते रहे। उसके बाद हमने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से जा करके लोगों से बात की, सबसे एम्बेसी वाले, सब में बहुत रोष था, सबकी फैमिलीज वहाँ पर आ गई, और एम्बेसी में इन्होंने पहले तो घुसने नहीं दिया, लेकिन सब लोग अंदर आ गए, जिनकी फैमिली से अपने स्टाफ वाले ये मिले नहीं।
फिर माथुर साहब की जो मिस्टर माथुर थे, बीवी माथुर, उनकी वाइफ इनके कमरे में गई तो ये अखबार पढ़ रहे थे। इनको जाकर के उसने कहा भी मेरा आदमी लाओ कहाँ पे है, ये कुछ उसने कहा गेट आउट वगैरह कुछ बात हो रहा, गलत लैंग्वेज बोली तो भड़क गई। तो इनको उसने एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जो कोई भी आदमी है कंप्रेसर के साथ नहीं कर सकता, लेकिन इनको उसने ये कि मेरे को मेरा आदमी ला के दे, जो बाकी कुछ कहा मैं कहना नहीं चाहूँगा, उसके बाद ये उठे और भागे फॉरन ऑफिस। उसी दिन शाम के आसपास, क्योंकि हमारे पे भी वॉच होनी शुरू हो गई थी इंटेलिजेंस की, हमने जाकर के एक कंटेक्ट के थ्रू जाकर के बाहर कहीं गए, पोस्ट ऑफिस से जाकर कॉल की दिल्ली में, एक हमारे कुलीग थे आर के यादव जिन्होंने मिशन रॉ बुक लिखी है, उसको मैंने फ़ोन किया। उनको मैंने कहा उनको इंसिडेंट बताई, क्योंकि नॉर्मल जगह से फ़ोन नहीं कर सकते थे, बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने जाकर के नेक्स्ट डे अभी बिहारी वाजपेयी से मीटिंग की जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने बात की जाकर के नरसिम्हा पहले तो कहते जी नहीं अंसारी साहब तो बड़े शरीफ आदमी हैं, क्योंकि वाजपेयी साहब जब फॉरन मिनिस्टर थे तो अंसारी साहब प्रोटोकॉल ऑफिसर हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने नरसिम्हा राव से बात की कि भाई कब कतर हुई कि भाई ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो नरसिम्हा राव जाकर के दोनों तरफ प्रेशर होने के साथ अंसारी साहब जाकर के फॉरन ऑफिस बैठे और रात को 2 बजे माथुर को लेकर आए। उसके बाद उनको 72 आवर्स का टाइम दिया गया, तो उसको भी आकर के उन्होंने बड़ा लाइटली शो किया कि जैसे गलती माथुर की हो कि ये मतलब रॉ के डिपार्टमेंट को ब्लेम करने की कोशिश की। तीसरी इंसिडेंट एक रॉ के और ऑफिसर थे पी के बीनू को पा, और वो तो उनकी गलती थी, ऐसे करेक्टरलेस आदमी को इन्होंने फॉरन भेजा जो स्टेशन चीफ थे, वो वापस हुए, इनका भी उसमें बड़ा नेगेटिव रोल था। उसके बाद एक और बात हुई आकर के, एक मोहम्मद उमर करते थे वैसी के मुस्लिम थे, उनको ईरानी में उठा के ले गए, तो मुझे भेजा गया उनसे इंक्वायरी करने के लिए, तो मैंने मोहम्मद उमर के कुछ घंटे के बाद छोड़ दिया। तो मैंने उनसे बात की तो उनको मना भी किया था भाई अकेले मत घूमो, क्योंकि बड़ा हॉस्टाइल वो रखे थे ईरानियंस, और उसके उनकी हॉस्टेलिटी का रीज़न ये था मिस्टर अंसारी जो उनको इंडिया के खिलाफ ब्रीफिंग करते थे, जबकि एम्बेसडर इंडिया के थे, और उनको ये कहा जाता था कि ही इज इंडियन एम्बेसडर, ईरानियन एम्बेसडर इन ईरान। तो जब उस मैंने उसको कहा भाई इनको उठा के ले गए थे, इसकी कोई गलती नहीं थी, कोई सामान लेना था आ करके, तो मुझे ये थ्रू मिस्टर पी ओ पी के मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई आप जो है ना इसको ये कहिए कि ये ईरानियन के लिए काम करता था। मैंने कहा कि मैं तो ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आदमी उनके लिए काम नहीं करता था, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डिटेल में इंक्वायरी की है, बड़ा क्रेडिबिलिटी का आदमी है। तो नाराज़ हो गए, क्या उसकी तो वापसी हो गई थी, और इन्होंने उसको लेकिन उसके बाद भी 10 साल के लिए फॉरन पोस्टिंग के लिए बैन कर दिया। तो अंसारी साहब जो थे वो एंटी हिंदू भी नहीं थे, एंटी मुसलमान भी नहीं थे, उनके लिए बेस्ट टर्म है कि एंटी हिंदुस्तान थे और हैं, इनके बारे में मैं यही कह सकता हूँ। हम मुबारकबाद देते हैं सूद साहब को कि उन्होंने जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में इतना शर्मिंदगी भरा अपना स्टेटमेंट दिया है। हमें बहुत शर्मिंदा हो रही है कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति इस तरह के कारनामे करता है। तो ये अब आपके हाथ में है, और बहुत जल्द हम एन के सूद साहब से और कुछ हिस्ट्री लेकर आएंगे और आप सभी को रूबरू कराएंगे सूद साहब से, जिस तरह के स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हमारे सामने आ रही हैं, तो हम वो हमारे देश के जो अंसारी जी उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं उनकी सोच किस तरह की है, वो आप भी अपने स्टेटमेंट हमारे स्टूडियो के साथ में भेजें। तब तक के लिए जय।